कहे पंडा सुन लो जजमान, सजो ना दस पैसा में प्राण, मांग लो कुछ हमसे बरदान। कहे सेठ काशी की दस्तु माफ करो भगवान, सूम वह भार। जय हो पार्वती पति महादेव की। बाबा भोलेनाथ की कृपा, बड़े दयालु हैं, सब पर होती है, कोई कैसा भी भक्त रहे उनका, झूठा कपटी, सब पर वो अपनी कृपा करते हैं। एक बुंदेली में गाथा है जिसे बचपन में हमने सुना था देसराज पटेरिया जी की आवाज में, तो आज मैं गुनगुना रही हूँ, आप लोग सुनिएगा। हास रस है इसमें। करोड़ी सेठ थे साहूकार, करोड़न लाखन को व्यापार, तगादो देवे खूब उधार। और लड़का बिटिया सबई हते, लंबो चौड़ो परिवार, तुम वह भारी है। तुम मीन्स होता है कंजूस, तुम वह भारी है, करी हुशियारी है। एक दिन उनकी पत्नी बोली, जाओ तीर्थ यात्रा करो, सब करो पूजा दान, तुम कुछ नहीं करते हो। कहे सेठानी सुन लो प्रीतम, सब तीरथ कर लियो, दान धर्म कर पुण्य कमा के, जन्म सफल कर लियो। सेठ बोले ते सुन ले नार, ते है पूरी निपट गवार, जो हम तीरथ खां जावे, तो दस पैसा पंडा ले ले हैं, तो हम घबरावे, तुम वह भारी, करी हुशियारी है। बात न मानी सुनो सेठ, तब हो कर के लाचार, गंग नहावे के लाने भय, काशी खां तैयार। काशी जाने के लिए तैयार हुए, काशी में पंडा जी रहते हैं, वहां भी पैसा देना पड़ेगा, तो क्या करते हैं, पंडन के दर से फिर उनने पकड़ो मुर्दा घाट, और शंकर जी पंडा बन बैठे हेरे उनकी बात। शंकर जी परीक्षा देने लगे कि हम ही पंडा बन जाए। लगा के डूबा उखरो से, देख पंडा को पिछ को पेट, अरे जय हो बे जजमान, ओ दस पैसा तुम हमें चढ़ा दो, हो जय है कल्याण, तुम वह भारी है, करी हुशियारी है। तो बोले कि अबे तो पंडा जी, हमारे पास पैसा है नहीं, 6 महीने बाद आप हमारे गांव का चक्कर लगाना, वहां हम आपको पैसा दे देंगे। 6 महीना बीते तब पंडा सेठ द्वारे आए, जय हो बे जजमान द्वार पर, कैसे वचन सुनाए। सेठ पहचान गए तो वही पंडा है, सेठ अपनी सांस रोक के लेट गया और अपने बीवी बच्चों से बोला कि कह दो मर गए। तुम सब रो और चिल्लाओ, कह दो मर गओ दद्दा साओ, तुम सब रो और चिल्लाओ, कह दो मर गओ दद्दा साव, आज सब जो जगरा सुरझाओ, सांस रोक के हम लेते हैं, दस्तू आज बचाओ,
तुम वह भारी है, करी होशियारी है। पंडा जी तब कहन लगे हैं, करके सूरत रोनी मेरी और सेठ की, देखो हटी दोस्त की नौनी। हमारी और सेठ की अच्छी दोस्ती थी और अब हम यहाँ आए, सेठ जी मर गए तो हम उन्हें पूछते ही हैं, अंतिम संस्कार कराते हैं। अच्छे सेठ जी। पंडा जी तब कहन लगे हैं, करके सूरत रोनी और मेरी और सेठ की, देखो अति दोस्ती नौनी। संग मर घटा लो हम जय हैं, अपनो धर्म निभे हैं। संग मर घटा लो हम जय हैं, अपनो धर्म निभे हैं। मित्र अपने को अपने हाथ से आज बार के आए हैं। तुम वह भारी है, करी होशियारी है। सेठ की अर्थी भई तैयार, चले तब रोबत नातेदार। पड़ोसी पूरा गाँव बारे और असुआधार के सब कह रहे हैं, हते सेठ प्यारे तुम वह भारी है, करी होशियारी है। चिता बनी फिर सेठ करोड़ी, ऊपे गौ पौड़ाओ ओ दे के परिक्रमा। पंडा बोले कि लुगराय ने लगाओ, लगी लुगरिया आगी बर गई। अब से जी जबरदस्त नहीं भाई, जिंदा थे। लगी लुगरिया आगी बर गई, सेठ जी उठ के भागे। पंडा जी बोले आधा जला भाग रहा है, भूत बन गया। लगी लुगरिया आगी बर गई, सेठ जी उठ के भागे। ओ गांव भरे के पकड़ के ऊखा धरन चिता में लागे। कहे पंडा सुन लो जजमान, शंकर जी को दया आ गई। शंकर जी बोले 10 पैसा में क्यों अपने प्राण देते हो, हमी से वरदान ले लो। कहे पंडा सुन लो जजमान, सजो ना 10 पैसा में प्राण। मांग लो कुछ हमसे वरदान, और देखो ये क्या वरदान मांग। कहे पंडा सुन लो जजमान, सजो ना 10 पैसा में प्राण। मांग लो कुछ हमसे वरदान। कहे सेठ काशी की दस्तु, माफ करो भगवान। तुम वह भारी है, करी होशियारी है। तुम वह भारी है, करी होशियारी।